मेरे सामने बैठे हुए सम्माननीय मेरे आत्मीय मित्र डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी प्रिंसिपल, मेरी सहपाठी समादृत डॉक्टर मीना जी, कृष्णा जी, राकेश उपाध्याय जी और सभी शिक्षक मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, एक काम तो बहुत सरल हो गया कि देर ज्यादा हो गई है तो कम बोलना पड़ेगा, और दूसरा सरल इसलिए हो गया क्योंकि दो विद्वान जिस विषय पर बोल कर जा चुके हों उस पर बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी कुछ बिंदु मैं सूत्रों में चाहूँगा कि आपसे जल्दी जल्दी शेयर करो। मुझे ये लगता है कि रीतिकाल को अगर सूत्र में बांधें 200 साल की कविता को, तो हम कह सकते हैं कि ये श्रृंगार, सौंदर्य और शक्ति की कविता है। दूसरा सूत्र ये रीति, नीति और प्रीति की कविता है, और ये सब कुछ संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें तो मूल्यों की बात को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति की जो ताकत है वो हमारी विरासत मूल्यों के रूप में विद्यमान है। जितना मूल्य साहित्य रीतिकाल में लिखा गया उतना शायद ही किसी अन्य काल में लिखा गया। पूरा का पूरा नीति साहित्य अगर हम उठा लें वो उसी का विस्तार है, और जब हम साहित्य के इतिहास को विभक्त करते हैं तो हम इसे मध्यकाल के रूप में देखते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसलिए जो उत्तर मध्यकाल है वो पूर्व मध्यकाल का विस्तार है, कि बड़े बड़े समालोचकों ने और इतिहासविदों ने स्वीकार किया है। इसलिए भक्तिकाल को यदि हम स्वर्णयुग कहते हैं तो रीतिकाल स्वर्णयुग को जन सामान्य तक ले जाने का एक उपक्रम है, क्योंकि वही समस्त प्रवृत्तियां जो भक्तिकाल में विद्यमान थी वो रीतिकालीन कविता में जाकर बाकायदा चार कालखंडों, मानी एक कालखंड का वर्गीकरण अगर करें तो चार अनुभागों में बढ़ जाती है। एक जिसके बीच भक्तिकाल में थे वो है रीति काव्य। रीति काव्य के तीन रूप हमारे सामने मिलते हैं, जो निरूपण काव्य है जिसको हम रीति काव्य कहते हैं, उसमें कवियों ने, क्योंकि रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है, तो हम सबके मन में ये बात जरूर आती है कि श्रृंगार काल का कवि ये शास्त्र निरूपण के फेर में क्यों पड़ गया, काव्यशास्त्र की तरफ क्यों चला गया, तो वह भी एक महत्वपूर्ण कारण है इस पर हमें विचार करना चाहिए। वह यह है कि दरबार में कविता को ले जाने का जो प्रेरक कारण है, जिसकी चर्चा पिछले सत्र में भी प्रकारांतर से हुई, कि उस युग की परिस्थितियां, उस युग की मानसिकता और उस युग की शासन व्यवस्था जिसने जन सामान्य को अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख कर दिया था, और जो पुरुष समाज था वह तो तीतर लड़ाने, मुर्गे लड़ाने, कबूतर उड़ाने, पतंग उड़ाने, चौसर खेलने, चौपड़ खेलने में लगा हुआ था, क्योंकि राजसी जो ठाट बाट थे वो सामाजिक दृष्टि से उदासीन थे, सत्ता में बैठे हुए लोग विलासी थे। और हम लोग ये जानते हैं कि सुरास, सुराही और सुंदरी ये उस युग की मुख्य प्रवृत्तियां थी। तो ऐसे में कविता किसे सुनाए, कवि जब कोई कविता का ग्राहक ही नहीं है तो किसके सामने कविता रखी जाए। और जो स्त्री समाज है वो घर से बाहर समाज में सुरक्षित नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वह रीतिकाल में भी बाकायदा था। राजा महाराजा जिनके पास ताकत थी, जिनके पास शासन अनुशासन था,
किसी भी सुंदर स्त्री पर स्त्री को देखते थे तो तलवार के बलबूते उसे अपने दरबार में लाकर शोभा बढ़ाने में अपना धर्म समझते थे। तो ऐसे में स्त्री और पुरुष समाज दोनों ही साहित्य और साहित्यिक संवेदना से दूर चले गए। तो इन कवियों ने बड़ी चतुराई से एक काम किया कि इन भोगी विलासी राजाओं को क्यों ना साहित्यिक संवेदना से जोड़ा जाए। तो कविता को दरबार में ले गए। हम लोग धूमिल की बड़ी तारीफ करते हैं संसद से सड़क तक, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि सड़क से संसद तक साहित्य को ले जाने का काम तो इन्हीं कवियों ने किया। और ये जो निरूपण की प्रवृत्ति है, शास्त्र निरूपण की, ये भी इनकी बाध्यता थी, ये इनकी अभिरुचि का विषय नहीं था। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि इन्हें आचार्य समझना ये इनके साथ अन्याय करना है। ये आचार्य थे नहीं, लेकिन आचार्य कर्म का निर्वाह किया क्योंकि वो उनकी जरूरत बन गई थी। जिन दरबारों में ये कवि थे उन दरबारों के राजा महाराजाओं की संस्कृति क्या थी, जब वो कविता सुनते थे तो जो दरबार में आश्रित लोग थे वो कवि की प्रशंसा करते थे, ताली बजाते थे और ये कहते थे भाई एक बार और वंस मोर। अब इस वृत्ति को देखकर राजा महाराजाओं को लगा कि तनखैया कवि तो हमारे लिए है और प्रशंसा इनकी हो रही है, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अशर्फियां हम दे रहे हैं और तारीफ ये ले रहे हैं। तो इन लोगों ने, इन आश्रयदाताओं ने कवियों से कहा कि भाई हमें भी कविता लिखनी है, हम भी कविता लिखेंगे, इसलिए हमें कविता सिखाओ। तो इनकी मजबूरी थी कि कविता सिखानी थी, इसलिए दो ही विकल्प थे, दरबार में रहना है तो कवि शिक्षक बनो और हमें सिखाओ, और दरबार में नहीं रहना तो नौकरी छोड़ दो। तो विवश होकर इन्हें संस्कृत काव्य शास्त्र की ओर उन्मुख होना पड़ा और ईमानदारी से और निष्ठा से जितना गहन अध्ययन इन कवियों ने किया शास्त्र का, उसकी अभिव्यक्ति समस्त शास्त्रीय ग्रंथों में हम देख सकते हैं। केशव इतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। केशव पर बड़े सारे आक्षेप लगे कि वो कठिन काव्य के प्रेत हैं, वो हृदयहीन कवि हैं, वो निष्ठुर कवि हैं आदि आदि। लेकिन केशव की रामचंद्रिका को अगर कोई सही ढंग से पढ़ ले तो कई मायनों में वो तुलसी से आगे है, तुलसी की कोई तुलना नहीं है। लेकिन केशव का जो शिल्प है रामचंद्रिका का और केशव की जो संवाद योजना है उसमें पूरी राम संस्कृति को किस तरह से दरबारी परिवेश से जोड़कर चित्रित किया, ऐसा कोई दूसरा कभी नहीं कर सका। इसलिए केशव ने रामचंद्रिका क्यों लिखी, क्योंकि जिसके दरबार में वो आश्रित थे ओरछा नरेश, उनकी एक प्रेयसी थी प्रवीण राय, और उस प्रवीण राय को राजा चाहता था कि वो भी कवित्री बने, तो केशव से कहा कि इसको कविता लिखनी सिखाओ, ये मेरी व्यक्तिगत आग्रह तुम्हारे सामने है, इच्छा है। तो केशव ने शास्त्र के ग्रंथ पढ़कर कवि प्रिया और रसिक प्रिया इसीलिए लिखी कि प्रवीण राय को कवित्री बनाया जा सके, और वो अच्छी कवित्री बनी रीतिकाल की। इसलिए एक वर्ग ऐसे बहुत सारे कवि हैं इन्होंने जो राजा महाराजा थे उनको भी कवि बना दिया, संवेदना से जोड़ा। महाराजा जसवंत सिंह को देखें, राजा मान सिंह को देखें, अभी डॉक्टर साहब जी की बात कर रहे थे, ऐसे लगभग 20 कवि हैं जो थे तो राजा लेकिन बन गए कवि। तो क्या ये भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम जिसको हम भूल जाते हैं, क्यों भूलते हैं, क्योंकि प्रायोजित है रीतिकाल का विरोध, ये स्पॉन्सर प्रोग्राम है पूरा। क्यों है, क्योंकि आधुनिक काल की बुनियाद खड़ी करनी है, इसलिए ये जो बाजार का मनोविज्ञान है ये बड़ा साफ है, और आप हम तो अच्छी तरह जानते हैं
कि दूसरे के उत्पाद को जब तक खंडित नहीं करोगे, जड़ से उसे उखाड़ने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं सकते। रीतिकाल की समझ चाहिए, रीतिकाल के मर्म, कविता के मर्म को नहीं, नहीं, समझने की इच्छा शक्ति भी चाहिए। ब्रजभाषा नहीं आती, शास्त्र नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, इसलिए एक ही उपाय है कि रीतिकाल की कविता दरबारी कविता है, श्रृंगारी कविता है, अश्लील कविता है। और यदि अश्लीलता की बात करूंगा तो रीतिकाल की कविता बहुत पीछे छूट जाएगी। आधुनिक युग की कविता में इतनी अश्लीलता है कि जो मैं आपके सामने रख नहीं सकता। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि वाणी को सार सिंगार बखानो और सिंगार को सार किशोर किशोरी। किशोर और किशोरी ये तो संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक हमारी संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। और रीतिकाल की पूरी कविता इन्हीं नायक और नायिका के आसपास घूमती है। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, जहां हम यह कह सकें कि ये रति के चित्र है, लेकिन हमारी दृष्टि गृहस्थ जीवन के सुंदर चित्रों पर नहीं जाती। जिस गार्हस्थिक मूल्यों की प्रतिष्ठा रीतिकाल के कवि करते हैं वो किसी दूसरी कविता में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक छंद हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है। मुझे याद है मतिराम का एक छंद मुझे स्मरण हो रहा है कि केली की रात अघाने नहीं, दिन ही में लला को निघात लगाए। पति जो है वो अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से जो स्नेह भाव है उससे अभी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए दिन में उससे कैसे मिला जाए। तो हमारी संस्कृति में क्या था, जो अभी भी जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है उसमें विद्यमान है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में जहां सास ससुर हों, जेठ जेठानी हों या अन्य सदस्य हों, वहां जो नव विवाहिता है वो दिन में अपने पति से नहीं मिल सकती, उससे बात भी नहीं कर सकती। यहां तक होता है कि भोजन की थाली जो है वो भरे परिवार में दहलीज से रख के ऐसे ठुकरा देती, मतलब सरका देती है कि थाली खिसकती हुई वहां जाए, क्योंकि वहां ससुर भी बैठा है, सास भी बैठी है, वो इतने बड़े घूंघट के साथ भी अंदर नहीं जा सकती। तो मतिराम ने लिखा कि केली की रात अगाने नहीं, दिन ही में लला को निघात लगाए, प्यास लगी कोई पानी दे जाइए। अंदर बैठ के पति कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, कोई पानी दे जाओ मुझे। तो किससे कह रहा है, अपनी पत्नी से। इस बहाने कि पत्नी आएगी और मैं उससे मिल लूंगा, एक बहाना बनाया। लेकिन फिर क्या कहा कि पत्नी ने इस पूरे मनोभाव को समझ लिया और घर की मनस्थिति को समझ लिया, उसने थाली दहलीज पर रखी और धीरे से अंदर सरकाई और पानी का गिलास दहलीज पर रखा और भाग गई बाहर। अब संस्कृति की इससे ज्यादा रक्षा क्या होगी। ऐसे अनेक छंद है लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता, ध्यान जाता है रति और सुरति के चित्रों पर, क्योंकि जाती गई भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तन जैसी वस्तु स्थिति है। अगर राष्ट्र की चेतना की कविता की बात करें तो ये मूल्य तो तब भी था, ये संस्कृति तब भी थी, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा। और आजकल तो उसकी प्रासंगिकता असंदिग्ध है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से संचरित होता है भाव। भूषण को देखिए, सूदन को देखिए, गोरेलाल को देखिए, पद्माकर को देखिए, ऐसे दसियों कवि हैं जिन्होंने राजभक्ति के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की चेतना का प्रसार किया। ये रीतिकाल की संस्कृति में है। और प्रेम को देखिए, भारतीय प्रेम क्या है, प्रसाद ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में कहा कि पागल ने वो मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब। ये प्रेम ऐसे करने से नहीं मिलता,
प्रेम तो ऐसे करने की वस्तु है, और रीतकार की जो रीति मुक्त काव्यधारा है या जो स्वच्छंद काव्यधारा है वो इससे सशक्त उदाहरण प्रेम का आपको कहीं नहीं मिलेगा। अन्य रीतिबद्ध कवियों ने, रीति कवियों ने भी प्रेम के बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। वो जो बिहारी का छंद अगर आपको याद हो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल। तो प्रेम तक पहुंचने का, या घनानंद को याद करें, वो जो मछली का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं, है ना, जिसमें कायरता की बात करते हुए मछली को हम बहुत आइडियल एग्जांपल, बड़ा आदर्श उदाहरण मानते हैं प्रेम का, कि पानी से अलग हुई और उसने प्राण छोड़ दिए। लेकिन घनानंद कहते हैं कि ये प्रेम नहीं है, ये तो प्रेम पात्र को कलंकित करने का उपक्रम है। अरे आपने तो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या करी और मुक्त हो गए, लेकिन कलंकित तो प्रेम पात्र हुआ। जवां मर्द तो वो है जो प्रेमी या प्रेमिका के लिए आजीवन अपने मन में, अपने चित्त में प्रेम को बरकरार रखता है और उसकी हर स्थिति में मदद करता है। ये प्रेम नहीं है कि आत्महत्या कर लो, ये प्रेम नहीं है कि चाकू मार दो या तेजाब डाल दो, प्रेम तो देने का नाम है। ये रोमांटिसिज्म जिसकी हम आज दुहाई देते हैं, उसके बीज तो हमें रीतिमुक्त कविता में मिलते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का प्रेम है। और सौंदर्य की बात अगर करें तो रीतकाल में सौंदर्य के जितने सुंदर चित्र हैं उतने शायद ही पूरे साहित्य के इतिहास में किसी कविता में। नख से शिखर अंग प्रत्यंग पर एक से एक सुंदर कवित्व समझ जाते, एक से एक सुंदर। और गेयता के साथ अगर उन्हें हम समाज के सामने ले जाते तो शायद रीतकाल का मूल्यांकन नई तरह से हो सकता था। लेकिन मैंने कहा कि वो तो सारा प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि हमें तो खंडित करना है, इसलिए हमने उन तमाम उज्ज्वल पक्षों की ओर ध्यान आकृष्ट होने ही नहीं दिया। आचार्य शुक्ल ने लिखा अपने इतिहास में कि अगर भक्तिकाल के कवियों ने ब्रजभाषा में उत्कृष्ट कार्य किया है तो रीतिकाल के कवियों ने ब्रजभाषा को उत्कर्ष तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो बड़ा स्पष्ट रूप में उसकी बात करते हैं। हालांकि शुक्ल जी रीतिकाल के बहुत पक्षधर नहीं है, लेकिन कुछ कवियों पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। हमारे जो पर्व हैं, हमारे जो उत्सव हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी वेशभूषा, हमारे आभूषण और हमारे समाज में प्रचलित टोने टोटके, विश्वास अंधविश्वास, ये सब भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और ये सब रीतिकाल में जितना वर्णित है इतना शायद ही कहीं वर्णित हो। बिहारी कहता है कि ये जो श्रृंगार है, आभूषण है, ये आभूषण किस काम के? तो दो उदाहरण दिए बड़े सुंदर। एक तो नैसर्गिक सौंदर्य, जो ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य, उसको किसी, जिसको हम कहते हैं ना ऑर्नामेंटल ब्यूटी, इसकी जरूरत नेचुरल ब्यूटी को नहीं होती। तो ये जो कृत्रिम सज्जा है ये प्राकृतिक सौंदर्य इसका मोहताज नहीं है। तो एक जगह वो कहता है कि सखी कह रही है कि पहन न भूषण कनक के कही आवत ही है। मैं तेरे हित को ध्यान में रखकर ये सुझाव दे रही हूँ कि ये बहुत सारे आभूषण सोने के मत पहन। क्यों? क्योंकि दर्पण कैसे मोर्चे दे दिखाई दे, कि तेरा जो सुंदर रूप है ये ऐसा लगता है जैसे शीशे पर मैल जम गई, तो इन आभूषणों को उतार के फेंक दे। ये नेचर, जो नैसर्गिक सौंदर्य है आप उसको देखिए। और दूसरी तरफ एक उदाहरण दिया कि अगर तू आभूषण पहन भी रही है तो इन आभूषणों को पहनने का मात्र प्रयोजन इतना ही है कि ये पायदान का काम करते हैं। हम घर में सफाई वगैरह करते हैं तो पायदान रख देते हैं वहां, और घर में कोई प्रवेश करे
तो जूते चप्पल पांव सब साफ करके आएगा अंदर। तो कहता है कि समाज में देखने वाले की जो कुदृष्टि है, जो बुरी दृष्टि है, जो तेरे सुंदर रूप पर पड़ेगी, इससे पहले वो तेरे कंठहार पर पड़ेगी और ये पायदान की तरह उसके दृष्टि दोष का निवारण कर देगा, फिर तेरे शरीर पर उसकी दृष्टि जाएगी। ये जो चेतना है ये विलक्षण है। और मूल्यों की बात अगर करूं तो अभी चर्चा हुई थी, हमारी संस्कृति में इतना अद्भुत मूल्य प्रतिष्ठा का प्रयास मिलता है कि हम देख सकते हैं बीसियों कवि हैं जो नीति के कवि हैं। वृंद की बात करें, गिरधर की बात करें, दीनदयाल गिरी की बात करें, घाघ और भट्टरी की बात करें, बेताल की बात करें, घटिया बिहारी की बात करें, सब कवियों ने, हम दंग रह जाते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो काले कौन। बताओ दुनिया में कौन है, बाप की प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी लेकिन पिता का ज्ञान विरासत में नहीं मिलेगा। अगर विद्या प्राप्त करनी है तो उद्यम तो करना पड़ेगा। दुनिया में कौन है जिसे बिना उद्यम के परिश्रम के विद्या मिली हो। बिना जुड़ाए ना मिले जो पंखा की कौन, पंखे से हवा चाहिए तो हाथ तो हिलाना पड़ेगा ना। अब ऐसे उद्धरण इसके विपरीत देखिए, कहा किए उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल। मेहनत करने से भी क्या होता है, अगर विधाता ही प्रतिकूल है तो क्या किस मूल्य की स्थापना की कि कुछ भी काम करो उसे छोड़ दो ईश्वर पर, क्योंकि फल तो उसके हाथ में है ना। इसीलिए गिरधर ने भी एक जगह लिखा कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च कर्म। ये रीतिकाल का कवि लिख रहा है कि अंततः तो भाग्य फलित होता है, न विद्या फलित होती है न कर्म फलित होता है। तो कहा किए उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को शलभ करे निर्मूल। किसान ने 6 महीने खूब मेहनत की, फसल तैयार की और रात को ये सोचकर सोया पूरा परिवार कि कल फसल काटेंगे, बाजार में बेचेंगे और मालामाल हो जाएंगे, लेकिन रात को टिड्डी दल आया और सारी फसल चौपट कर गया। तो मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी लेकिन फसल सारी चौपट हो गई। तो क्या कहा कि भाग्य में अगर फल होगा तो जरूर मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा और जितना मिलना होगा उतना मिला होगा मिलेगा। इसका अर्थ क्या है कि निराश मत हो। और ऐसे अनेक उदाहरण कोट कर किए जा सकते हैं जिसमें हम वैल्यूज का, मूल्यों का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और इस विषय पर बहुत लंबी बात हो सकती है। एक दो दोहे और आपके सामने रखना चाहता हूं वृंद कवि के। एक जगह पर कहता है कि अच्छे और बुरे का बोध जीवन में बहुत जरूरी है और अवसर की पहचान मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे बड़े बड़े कवि कह रहे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मौका था तब तो कुछ किया नहीं, का बरखा जब कृषि सुखाने, इसकी भी बात तुलसी ने की। तो वृंद क्या कहता है कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। बात तो अच्छी है लेकिन बहुत बार अच्छी बात भी बहुत बुरी लगती है, बिन अवसर की बात। इसलिए मौका देखकर अवसर देखकर बात कीजिए, बात अच्छी हो या बुरी हो ये विवेक की बात है। जैसे वर्णत वीर में रस श्रृंगार न सुहाग, जैसे कोई वीर रस का वर्णन कर रहा हो और अचानक बीच में श्रृंगार रस घुसा दे तो रस भंग हो जाएगा, ये समुचित नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए फीकी पैनी की लगे, बात तो बुरी है लेकिन कभी कभी तो बुरी बात भी तो अच्छी लगती है ना, लगती कि नहीं। वो जो गीत है ना गंदी बात गंदी बात, सॉरी नाच रहे गंदी बात है तो क्यों नाच रहे, छोटे छोटे बच्चे भी नचवा रहे हैं हम गंदी बात पर नाचो।
वो एक तात्कालिक मनोरंजन है, उस गंदी बात को लेकर घर में नहीं आते, वहीं छोड़कर आते हैं, है ना। तो फीकी पै नीकी लगे, कहिए सोच विचार। बस करना क्या है कि सोच कर विचार कर कि कहाँ बुरी बात कही जा सकती है, कहाँ अप्रिय बात कही जा सकती है। कैसे? जैसे वर्णत ने सबको मन हर्षित करे, जो विवाह में गाड़ी, जैसे विवाह के अवसर पर दी गई गालियां सब एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। अगर गालियां वालियां न दी जाए तो लगता है शादी में मजा ही नहीं आ रहा है। तो विवेक का सदुपयोग, और ये रिचुअल से कुछ चीजें हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अगर उनमें कहीं थोड़ा बहुत सामाजिक दृष्टि से कमी या दोष भी है तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो चोरी करना बुरी बात है ना, शादी में जूते चुराना बड़ी अच्छी बात है, न चुराए तो मजा ही नहीं आता, ब्लैकमेल भी करते हैं, इतने पैसे दोगे तो वापस करेंगे। तो कितनी बारीकी से जीवन को और जीवन की तमाम स्थितियों को इन कवियों ने देखा है। इसलिए समाज और संस्कृति का प्रतिबिंबन अगर आप देखना चाहते हो, रीतिकाल के कवियों ने बहुत बारीक बारीक चित्र उतारे। और पद्माकर को याद करें आप, फाग की भीड़ अभिनन ते गई गोविंद भीतर ले गई गोरी, छीन भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अभीर की झोली, छीन पितंबर कंबर ते सुविधा गई मीर कपोल न रोली, और नैन नचाए कही मुस्काए गला आज भी उतना ही प्रासंगिक है अगर भावना उसी तरह की हो। अब क्या है?